नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। तो कहानियों का सिलसिला शुरू करते हुए लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी मुक्ति मार्ग। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। झिंगुर अपने ऊंट के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे ऊंट थी, इसके 600 रुपये तो अनायास ही मिल जाएंगे, और जो कहीं भगवान ने दाढ़ी तेज कर दी तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बुढ़े हो गए, अब की नई गोई बटेसर के मेले से ले आएगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल गए तो लिखा लेगा, रुपए की क्या चिंता। बनिए अभी से उसकी खुशामत करने लगे थे। ऐसा कोई न था जिससे उसने गांव में लड़ाई न की। वह अपने आगे पीछे को कुछ समझता ही न था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता ना था, क्या खेत की मेर पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था। भेड़ों को इधर से लाने की क्या जरूरत, ये खेत को कुचलेगी चरेगी, इसका डांट कौन देगा। मालूम होता है बुद्धू गडेरिया है, बच्चा को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़े लिए चला जाता है। जरा इसकी डिटाई तो देखो, देख रहा है कि मैं खरा हूं फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी रियायत की है कि मैं इसकी मुरव्वत करूं। अभी एक भेड़ मोल मांगू तो 5 ही रुपये सुनावेगा। सारी दुनिया में 4 रुपये के कंबल बिकते हैं, पर यह 5 रुपये से नीचे की बात नहीं करता। इतने में भेड़ खेत के पास आ गई। झिंगुर ने ललकार कर कहा, अरे ऐ भेड़, कहाँ लिए आते हो। बुद्धू नम्र भाव से बोला, मैं तो डांड पर से निकल जाएगी, घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत क्यों कुचलवाऊं। दाढ़ी पर से ले जाना है तो और खेत के डांट से क्यों नहीं ले गए। क्या मुझे कोई चूहर चमार समझ लिया है या धन का घमंड हो गया है। लौटाओ इनको। बुद्धू, महतो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो जो सजा देना चाहे दे दो। झिंगुर, कह दिया कि लौटाओ इन्हें, अगर एक भेड़ भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्ध, महतो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बैठा कर 100 गालियां देना। बुद्धू बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटाने में अपनी हेटी समझता था। उसने मन में सोचा, इसी तरह जरा जरा धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़े चढ़ा चुका, आज लौटा जाऊं तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही न मिलेगा, सभी रोब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी पोढ़ा आदमी था, 12 कौड़ी भेजे थी उन्हें खेतों में बिठाने के लिए, भी रात 8 आने कौड़ी मजदूरी मिलती थी। उसके उपरांत दूध बेचता था, ऊन के कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं मेरा कर ही क्या लेंगे, कुछ इनका दबायल तो हूँ नहीं। भेड़ों ने जो हरी भरी पत्तियाँ देखी तो अधीर हो गई, खेत में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे हटाता जा रहा था और वे इधर उधर से निकल कर खेत में जा पड़ती थी। झिंगुर ने आग होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़ी जताने चले हो, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर चौंकती हूँ, तुम हट जाओ तो मैं सबको निकाल ले जाऊँ। झिंगुर ने लड़के को गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभाल कर भेड़ों पर पिल पड़ा।
धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को न पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सब ने बे बे का शोर मचाना शुरू किया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह न भेरों को हांकता था, न झिंगुर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झिंगुर ने इस सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। मेष दल का संहार करके विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम न लेना। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगुर तुमने यह अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। केले को काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलिहानों में। कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद कहीं अनाज घर में आता है, और जो कई इन आपदाओं के साथ विद्रोह ने भी संधि कर ली तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झिंगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृत्तांत कहा तो लोग समझाने लगे, झिंगुर तुम इतना बड़ा अनर्थ किया, जानकर अनजान बनते हो, बुद्धू को जानते नहीं, कितना झगड़ालू आदमी है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ सारे गांव पर आफत आ जाएगी। झिंगुर की समझ में बात आई, पछताने लगा कि मैंने कहां से कहां उसे रोका, अगर भेड़ थोड़ा बहुत चढ़ ही जाती तो कौन में उजरा जाता था। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। जी तो बुद्धू के घर जाने को न चाहता था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अघन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊंट की खेत की ओर अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी, खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा, मनाता जाता था कि मेरे खेत में न हो, पर ज्यों ज्यों समीप पहुंचता था यह आमाशय भ्रम शांत होता जाता था। वह अनर्थ ही हो गया जिसके निवारण के लिए वह घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही थी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट किया। उसे ऐसा जान पड़ता था कि वह खेत आज बहुत समीप आ गया है, मानो बीच के प्रति खेतों का अस्तित्व ही नहीं रहा। अंत में जब वह खेत पर पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगुर ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़ कर आग को पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा, कभी एक प्रबल होता था कभी दूसरा। अग्नि पक्ष के योद्धा मर मर कर जी उठते थे और द्विगुण शक्ति से रमणोमत्त होकर शस्त्र प्रहार करने लगते थे। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्ज्वल थी वह बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए, प्राण हाथी हथेली पर लिए अग्नि राशि में कूद पड़ता था और शत्रुओं को परास्त करके बाल बाल बचकर निकल आता था। अंत में मानव दल की विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर हार भी हंसती। गांव भर की ऊंक जलकर भस्म हो गई और ऊंक के साथ सारी अभिलाषाएं भी भस्म हो गई। आग किसने लगाई यह खुला हुआ भेद था, पर किसी को कहने का साहस न था। कोई सबूत नहीं, प्रमाणहीन तर्क का मूल्य ही क्या। झिंगुर को घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष कहते थे, यह आग तुमने लगवाई, तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया, तुम्ही मारे घमंड के धरती पर पैर न रखते थे, आपके तो आप गए, अपने साथ गांव भर को डुबो दिया। बुद्धू को ना छेड़ते तो आज क्यों वह दिन देखना पड़ता। झिंगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख न था जितना इन जली कटी बातों का। दिन भर घर में बैठा रहता,
पूस का महीना आया, जहाँ सारी रात कोल्हू चला करते थे, गुड़ की सुगंध उड़ती रहती थी, भट्टियाँ जलती रहती थी और लोग भट्टियों के सामने बैठे हुक्का पिया करते थे, वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग सांझ ही से किवारे बंद करके पर रहते और झिंगुर को कोसते। माघ और भी कष्टदायक था। ऊँख केवल अन्न धन दाता ही नहीं, किसानों का जीवन दाता भी है। उसी के सहारे किसानों का जाड़ा कटता है, गरम रस पीते हैं, ऊँख की पत्तियां तापते हैं, उसके अगोड़े पशुओं को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते जो रात को भट्टियों की राख में सोया करते थे, ठंड से मर गए। कितने ही जानवर चारे के अभाव से जल बसे। शीत का प्रकोप हुआ और सारा गांव खांसी बुखार से ग्रस्त हो गया। और यह सारी विपत्ति झिंगुर की करनी थी, अभागे हत्यारे झिंगुर की। झिंगुर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी ही सी बनाऊंगा, उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और चैन की बंसी बजा रहा है, मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। जिस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुआ, उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था। झिंगुर ने उससे रबत जबत बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को देखना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता। चिलम तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता है, वह उसे बिना दूध और शरबत पिलाए न आने देता। झिंगुर आजकल एक सन लपेटने वाली कल में मजदूरी करने जाया करता था। बहुधा कई कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू ही की तत्परता से झिंगुर का रोजाना खर्च चलता था। ये तो झिंगुर ने खूब रबत जबत बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झिंगुर, अगर अपनी ऊख जलाने वाले को पा जाओ तो क्या करो, सच कहना। झिंगुर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूँ, भैया तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए न मानता। झिंगुर, चार दिन की जिंदगानी में बैर विरोध बढ़ाने से क्या फायदा है, मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊंगा। बुद्धू, बस यही आदमी का धर्म है। पर भाई, क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था, किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था, भेरों की लूट मची हुई थी, दो चार आदमी नृत्य द्वार पर खड़े खुशामदे किया करते। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात न करता, भेर रखने की फीस दूनी कर दी थी। अगर कोई एतराज करता तो बेलाग कहता, तो भैया भेरे तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूँ, जी ना चाहे मत रखो, लेकिन मैंने जो कह दिया है उससे एक कौड़ी भी कम नहीं ले सकती। गरज थी, लोग इस रुखाई पर भी उसे घेरे ही रहते थे, मानो पंडे किसी यात्री के पीछे हो। लक्ष्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं, और वह भी समयानुसार छोटा बड़ा होता रहता है। यहाँ तक कि कभी वह अपना विराट आकार समेटकर उसे कागज के चंद अक्षरों में छिपा लेती है। कभी कभी मनुष्य की जीवा पर जा बैठती है, आकार का लोप हो जाता है, किंतु उनके रहने का बहुत स्थान की जरूरत होती है। वह आई और घर बटने लगा, छोटे घर में उनसे नहीं रह जाता। बुद्धू का घर भी बटने लगा, द्वार पर बरामदा डाला गया, दो की जगह छह कोठरियां बनवाई गई, यूं कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी, किसी से खपड़ों का आवा लगाने के लिए उपले, किसी से बांस और किसी से सरकंडे, दीवार की उठवाई देनी पड़ी, वह भी नगद नहीं। भेरों के बच्चों के रूप में लक्ष्मी का यह प्रताप है। सारा काम बेकार हो गया, मुफ्त में अच्छा खासा घर तैयार हो गया, गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर झिंगुर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता,
बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झिंगुर जलता था तो क्या बुरा करता था, यह अन्याय किससे सहा जाएगा। एक दिन वह टहलता हुआ चमारों के टोले की तरफ चला गया, हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिलम भरी, दोनों पीने लगे। यह चमारों का मुखिया बड़ा दुष्ट आदमी था, सब किसान इससे थर थर कांपते थे। झिंगुर ने चिलम पीते पीते कहा, आजकल फाग वाग नहीं होता क्या, सुनाई नहीं देता। हरिहर, फाग क्या हो, पेट के धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती, कहो तुम्हारी आजकल कैसी निपती है। झिंगुर, क्या निपती है, निपटा जिया बुरे हवाल, दिन भर कल में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है, चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को ठौर नहीं मिलता, नया घर बना, भेरे और ली है, अब गृह प्रवेश की धूम है, सातों गांव में सुपारी जाएगी। हरिहर लक्ष्मी मैया आती हैं तो आदमी की आंखों में सील आ जाता है, पर उसको देखो धरती पर पैर नहीं रखता, बोलता है तो ऐठी कर बोलता है। झिंगुर, क्यों ना ऐठे, इस गांव में कौन है उसकी टक्कर का, पर यार यह अनीति तो नहीं देखी जाती, भगवान दे तो सिर झुका कर चलना चाहिए, या नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं, उसकी डिंग सुनता हूँ तो बदन में आग लग जाती है, कल का बानी आज का सेठ, चला है हमी से अकरने, अभी कल लंगोटी लगाए खेतों में कौए हकाया करता था, आज उसका आसमान में दिया जलता है। हरियर, कहो तो कुछ उतजोग करूं। झिंगुर, क्या करोगे, इसी डर से तो वह गाय भैंस नहीं पालता। हरियर, भेरे तो हैं। झिंगुर, क्या बगला मारे पखना हाथ। हरियर, फिर तुम ही सोचो। झिंगुर, ऐसी जुगत निकालो कि फिर पनपने ना पावे। इसके बाद फुसफुस करके बातें होने लगी। वह एक रहस्य है कि भलाइयों में जितना द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। विद्वान विद्वान को देखकर, साधु साधु को देखकर और कवि कवि को देखकर जलता है, पर एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहता। पर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बदले दो ठोकरे और लगाएंगे कि वह फिर उठ ही ना सके। पर एक चोर पर आफत आई, देख दूसरा चोर उसकी मदद करता है। बुराई से सब घृणा करते हैं, इसलिए बुरों में परस्पर प्रेम होता है। भलाई की सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भलों से विरोध होता है। घोर की मार चोर क्या पावेगा। घृणा, विद्वान का अपमान करके विद्वान क्या पावेगा। यस, झिंगुर और हरिहर ने सलाह कर ली, षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई, उसका स्वरूप समय और क्रम ठीक गया। झिंगुर चला तो अकड़ा जाता था, मार लिया दुश्मन को, अब कहां जाता है। दूसरे दिन झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज नहीं गए क्या। झिंगुर, जा तो रहा हूं, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बछिया को अपनी भेरों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते, बेचारी खूंटे से बंदी बंदी मरी जाती है, न घास न चारा, क्या खिलाए। बुद्धू, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता, चमारों को जानते हो एक ही हत्यारे होते हैं, इसी हरिहर ने मेरी दो गौएं मार डाली, न जाने क्या खिला देती है, तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस ना पालूं। लेकिन तुम्हारी एक ही बच्चिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। यह कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान उसे दिखाने लगे। घी शक्कर मैदा तरकारी सब मंगा रखा था, केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। झिंगुर की आंखें खुल गई, ऐसी तैयारी न उसने स्वयं कभी की थी और न किसी को करते देखी थी।
मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वह अपनी बच्चिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई, ब्रह्म भोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का आगत स्वागत करते गुजरी, भेरों के झुंड में जाने की अवकाश ही न मिला। प्रातःकाल भोजन करके उठा ही था कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेरों में बछिया मरी पड़ी है। भले आदमी उसकी पगहिया भी नहीं खोली थी, बुद्धू ने सोचा और मानो ठोकर लग गई। झिंगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था, बोला हाय हाय मेरी बछिया, चलो जरा देखूं तो, मैंने तो पगहिया नहीं लगाई थी, उसे भेरों में पहुंचाकर अपने घर चला गया, तुमने यह पगहिया कब लगा दी? बुद्धू, भगवान जाने जो मैंने उसकी पगहिया देखी भी हो, मैं तो तब से भेरों में गया ही नहीं। झिंगुर, जाते ना तो पगहिया कौन लगा देता, गए होंगे याद ना आती होगी। एक ब्राह्मण, मरी तो भेरों में ही ना, दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगहिया किसी की हो। हरियर, मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बछिया को बांधते देखा था। बुद्ध, मुझे? हरियर, तुम नहीं, लाठी कंधे पर रखे बछिया को बांध रहे थे। बुद्ध, बड़ा सच्चा है तू, तूने मुझे बछिया को बांधते देखा था? हरियर, तो तू मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी नहीं सही। ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा, गो हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा, कुछ हंसी ठट्ठा है? झिंगुर, महाराज कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण, इससे क्या होता है, हत्या इसी तरह लगती है, कोई गौ को मारने नहीं जाता। झिंगुर, हाँ गौओं को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण, शास्त्रों में इसे महापाप कहा है, गौ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। झिंगुर, हाँ फिर गौ तो ठहरी ही, इसी से ना इनका मान होता है, जो माता सो गौ। लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू खरा सुन रहा था कि अनायास मेरे सिर हत्या मढ़ी जा रही है, झिंगुर की कूटनीति भी समझ रहा था, मैं लाख कहूं मैंने बछिया नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है, ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था, भला ऐसे अवसर पर कब चुकने वाले थे। फल यह हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई, ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे, कसर निकालने की घात मिली, 3 मास का भिक्षा दंड दिया, फिर 7 तीर्थस्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गौओं का दान। बुद्धू ने सुना तो बधिया बैठ गई, रोने लगा, तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया, इसके सिवा कोई रियायत नहीं हो सकती, न कहीं अपील न कहीं फरियाद, बेचारे को यह दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेड़े ईश्वर को सौंपी, लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती, गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छिपाते हुए कहता, गाय की बाछी दिया बनवास, भिक्षा तो मिल जाती किंतु भिक्षा के साथ 2-4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते, दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वही परा रहता, कष्ट की तो उसे परवाह न थी, भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, पेड़ के नीचे सोता ही था, भोजन भी इससे कुछ अच्छा मिलता था, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की, विशेष करके जब कोई करकशा या व्यंग कर देती कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है तो उसे हार्दिक वेदना होती थी, पर करे क्या। 2 महीने के बाद वह घर लौटा,
बाल बढ़े हुए थे, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बुढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना था, गडेरियों को कौन महाजन कर्ज दे, भेड़ों का भरोसा क्या। कभी कभी रोग फैलता है तो रात भर में दल का दल साफ हो जाता है। उस पर जेठ का महीना, जब भेड़ों से कोई आमदनी होने की आशा नहीं, एक तेली राजीव हुआ तो 2 रुपये ब्याज पर, 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। यहाँ कर्ज लेने की हिम्मत न पड़ी, उधर 2 महीनों में कितनी ही भेड़े चोरी चली गई थी। लड़के चराने ले जाते थे, दूसरे गांव वाले चुपके से 1-2 भेड़ किसी खेत पर या घर में छिपा देते और पीछे मार कर खा जाते। बेचारे लड़के एक तो पकड़ न सकते और जो देख भी लेते तो क्यों लड़कर मरे। सारा गांव एक हो जाता, 1 महीने में तो भेड़े आधी भी न रहे। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने एक बूचर को बुलाया और सब भेड़े उसके हाथ बेच डाले। 500 रुपये हाथ लगे, उसमें से 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने गया, शेष रुपये ब्रह्म भोज आदि के लिए छोड़ दिया। बुद्धू के जाने पर उसके घर में 2 बार सेंध लगी, पर यह कुशल हुई कि जघट हो जाने के कारण रुपये बच गए। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी, झिंगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था और उसके साथ ही माया के फंदे से भी। न झिंगुर के पास कुछ था, न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता। सन की कल बंद हो जाने के कारण झिंगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी, हजारों मजदूर काम करते थे, झिंगुर भी उन्हीं में था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर आता था और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता था। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहीं पहुंचा। जमादार ने देखा दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो न सकेगा, कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रख के गारा लेने गया तो झिंगुर को देखा, राम राम हुई। झिंगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना। बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या। झिंगुर, मैं तो 1 जून चबेना कर लेता हूँ, इस जून सत्तू पर काट देता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू, इधर उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई है, बटोर लाओ, आटा मैं घर से लेता आया हूँ, घर ही पिसवा लिया था, यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है, इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूथे लेता हूँ, तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही रोटियाँ सेको, मैं बना दूंगा। झिंगुर, तवा भी तो नहीं है। बुद्धू, तवे बहुत है, यही गारे का तसला मांजे लेता हूँ। आग जली, आटा गूंथा गया, झिंगुर ने कच्ची पक्की रोटियाँ बनाई, बुद्धू पानी लाया, दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियाँ खाई, फिर चिलम भरी गई, दोनों आदमी पत्थर की सिलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊँख में आग मैंने लगाई थी। झिंगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरियर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए। कैसी लगी आपको ये प्रेमचंद्र की कहानी मुक्ति मार्ग। कहानी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सपोर्ट के लिए धन्यवाद।